मॉर्निंग एवरीवन, आप देख रहे हैं इनसाइड स्पोर्ट। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो महामुकाबला है, मैसिव इनकाउंटर, सिर्फ एक दिन रह गया है उसके लिए। संडे को ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, और प्रेडिक्शन टाइम अभी से स्टार्ट हो गया है। कैप्टन्स के स्टेटमेंट आना चालू हो गए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया है पीसीबी को, वहां पर उन्होंने कुछ कमाल की बातें बोली हैं। पाकिस्तानी कप्तान काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और जब उनसे पूछा गया क्या वो इस बार, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप में, चाहे 50 ओवर हो चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, अभी तक नहीं हरा पाई है। 12 मैचेस खेली है, अभी तक रिकॉर्ड है 0। तो क्या इस बार इस जिंक्स को तोड़ पाएंगे? आइए सुनते हैं बाबर आजम ने क्या बोला इस प्रश्न पर। इंडिया ही फेवरेट है या हम फेवरेट बन जाएंगे इस कंडीशन में? हम इंशाल्लाह जीतेंगे। जब हम वर्ल्ड कप को देखते हैं तो वर्ल्ड कप में इंडिया से हम 7 मरतबा खेले, 7 मरतबा हारे हैं। जो पीछे गुजर गया उसको हम नहीं सोच रहे, जो आगे आना है उसका हम सोच रहे हैं। तो ये आपने कोई खास प्लानिंग की है इंडिया के खिलाफ मैच की, या इसको भी बाकी मैचों की तरह ही लेंगे? बाबर, जिस तरह आपने कहा कि पहला मैच ही एक इम्पोर्टेंट होता है, और वो अगर आप जीत लें तो उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ जाता है, स्पेशली जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की हम जब बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम वर्ल्ड कप को देखते हैं तो वर्ल्ड कप में इंडिया से हम 7 मरतबा खेले, 7 मरतबा हारे हैं। इसी तरह टी20 वर्ल्ड कप के अंदर 5 मैच हैं, 4 हारे हैं। अब पहला मैच ही इंडिया से, जिस तरह आपने कहा, तो कितना ये प्रेशर और ये चीजें जो है हर्ट करती हैं कि मतलब कभी हम इस तरह जीते नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा, ये जो जुमूद है, ये जिंक्स है, ये टूटे? देखें, आप जब बड़े इवेंट में जाते हैं तो मैटर करता है आपका बिलीफ और आपका एज अ ग्रुप कितना कॉन्फिडेंस है। तो मेरे ख्याल से एज अ ग्रुप और एज अ टीम हमारा कॉन्फिडेंस और मोराल काफ़ी हाई है। पास जो पीछे गुजर गया उसको हम नहीं सोच रहे, जो आगे आना है उसका हम सोच रहे हैं, और उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं और ऑन द डे हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो आपने सुना बाबर आजम ने क्या कहा, काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बार हिंदुस्तान को फाइनली आईसीसी वर्ल्ड इवेंट में पटक देंगे। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हर बार ऐसा सुनने को मिला है, जब भी कोई पाकिस्तानी कप्तान से पूछा जाता है, चाहे वो 2015 का वर्ल्ड कप हो, 19 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले चले जाइए आप 11, या सो मैनी इंस्टेंस जहाँ पर टीम पाकिस्तान की डिसेंट नज़र आ रही थी, लेकिन प्रेशर में हमेशा क्रम्बल करते हैं जब भी इंडिया से खेलती है पाकिस्तान वर्ल्ड कप इवेंट में। जब उनसे यूएई के बारे में पूछा गया, क्योंकि यूएई में काफ़ी क्रिकेट खेला है पाकिस्तान ने, क्योंकि जब से लाहौर बस अटैक जो हुआ था श्रीलंका में, उसके बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट लिटरली बंद हो गया था। तो क्या यूएई में उनका जो एक्सपीरियंस है उनकी टीम का, क्या वो काम आएगा खेलने का? आइए सुनते बाबर ने उस पर क्या बोला। देखिए, कंडीशंस की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 साल जब से मैं खेल रहा हूँ तो हमने वहाँ पे क्रिकेट खेली है, और कंडीशंस का हमें पता है, और हमें पता है बॉलिंग में कैसे किस तरह विकेट ब्रेक करेगी और बैट्समैन को कैसे खेलना पड़ेगा। देखें, ऑन द डे आपको जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, और कोशिश यही है कि हम अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलें। और अगर मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे। तो बाबर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं यूए की कंडीशंस को लेके, और जैसे आपने सुना 3-4 साल से लगातार वो भी खुद पर्सनली क्रिकेट खेल रहे हैं, पीएसएल भी वहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी, अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो पिछले 1.5 महीने से आईपीएल वहाँ पर हुआ है, तो ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर्स को भी सारे ग्राउंड का, चाहे अबू धाबी हो, चाहे शारजा हो, चाहे दुबई हो, वहाँ पर खेलने का बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। तो इट विल बी अ क्रैकर इनकाउंटर। संडे को ये मैच खेला जाएगा, मात्र एक दिन रह गया है। तो गाइस, कम ऑन, अपनी जर्सी पहनिए, टीम को सपोर्ट करिए, और बताइए कि इस बार कौन जीतेगा। ऑब्वियसली हिंदुस्तान जीतेगा, लेकिन जितने भी फैंस वर्ल्ड वाइड में देख रहे हैं, जस्ट गिव योर प्रेडिक्शन हु विल विन। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, प्लीज़ कम ऑन इनसाइड स्पोर्ट, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।